हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडीज़। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आजकल जो है वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं HBSSB के द्वारा भी और HBPSC के द्वारा भी। तो आज जो है वो हम लेकर आए हैं HBPSC के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम जो कि मॉर्निंग सेशन में हुआ था। यह एग्ज़ाम जो था ये असिस्टेंट मैनेजर का था HBSC बैंक का। तो चलिए इस एग्ज़ाम को डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो था उसमें क्या क्या था। तो इस एग्ज़ाम में जो थे वो मैथ्स के क्वेश्चन थे, कुछ रीजनिंग थे, इंग्लिश, हिंदी, GK और कुछ जो थे वो जो पाई चार्ट्स के क्वेश्चंस थे वो भी थे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जितने क्वेश्चन अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाद में जो है वो एक पूरी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। तो 121 ये जो है सीरीज़ ए के अकॉर्डिंग है। आप अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 121। तो देखिए क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। फर्स्ट वन इज़ नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड दिस कैंपेन फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन इकोसिस्टम इन रूरल एरियाज़। नेक्स्ट इज़ दिस कैंपेन विल आल्सो प्रमोट अवेलेबल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स सच एज शगुन, स्वयं एक्सेट्रा। तो देखिए ये जो है ये तो प्रमोट करने के लिए है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट में है वहाँ पे ऑनलाइन इकोसिस्टम लिखा गया है, तो फर्स्ट जो है वो तो नहीं होगा। और दूसरा है इट विल प्रमोट अवेलेबल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स सच एज शगुन एंड स्वयं। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा। देन ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ ओनली टू। ये जो है ये MHRD के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 122 क्वेश्चन। इन द ईयर 2019 नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज़ वाज अवार्डेड टू प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो एंड माइकल क्रेमर फॉर देयर रिसर्च ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये क्वेश्चन है, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू करिकुलर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ 5+3+3+4। देखिए ये भी जो डी ऑप्शन है कुछ जो है वो इसको करेक्ट करके चले हैं, लेकिन ये जो है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे होगा 5+3+3+4। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 124, डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज इज एन इनोवेशन कॉन्टेस्ट that aims to promote Indian innovators and startups was launched recently by। तो ये भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, दैट इज़ इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल
हाउसहोल्ड बाय 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126। तो देखिए इसका जो 125 का करेक्ट आंसर था, ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आयुष संजीवनी ऐप, इट विल हेल्प टू जनरेट डाटा ऑन एक्सेप्टेंस एंड यूजेस ऑफ आयुष एडवोकेसीज एंड मेजर्स अमंग द पॉपुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन प्रिवेंशन ऑफ COVID-19। इट इज़ डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127। ऑपरेशन नमस्ते इज लॉन्च्ड, ऑफन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये जो है ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो 127 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू GOAL प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि GOAL का पूरा नाम क्या है। तो GOAL इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फुल फॉर्म है, वो है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। और इसकी जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई थी वो है, द प्रोग्राम एम्स टू अनेबल ड्यूल ट्राइब्स यूथ इन रिमोट एरियाज टू यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर शेयरिंग देयर एस्पिरेशंस ड्रीम्स एंड टैलेंट विद देयर मेंटर्स। एंड द सेकंड इज द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद गूगल इंडिया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, पहली बात तो है कि ये जो है ये लॉन्च तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ही किया गया है, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो ग्लोबल इंडिया के साथ नहीं है, ये जो है ये फेसबुक के साथ है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो तो नहीं होगा, ओनली टू तो नहीं होगा, जिसमें बोथ वन एंड टू है वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शंस रहती हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन डी है ओनली थ्री, थ्री जो है वो पॉइंट है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगी, ये सी भी नहीं होगी, बी भी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ए हो सकता है इसका। लेकिन चलिए देखते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें क्या इसका आंसर आता है। फिलहाल आप ऑप्शन ए को ही कंसीडर करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो COVID-19 से रिलेटेड हैं, तो ये क्वेश्चन भी COVID-19 से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंट्रीब्यूशन मेड टू PM केयर फंड शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर्स। एंड द सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड फॉर COVID-19 इज नॉट क्वालिफाई एज एडमिसिबल CSR एक्सपेंडिचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130। ये भी COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आप जो हैं वो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो है वो सबसे पहले हमारे चैनल के अपडेट्स पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 130 इज रिसेंटली ऑर्डिनेंस विच सीक्स टू पनिश द persons committing violence against healthcare professionals fighting COVID-19 amends which act। ये जो है हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश
जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना चाहता है, कौन सा अधिनियम एक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, और इसके जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो है HDI इज स्कोर्ड यूजिंग इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशन। HDI इज रैंक्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1.0, विद 1.0 बीइंग द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। HDI was first launched in 1990 and since then released annually. As per HDI 2020, the top nation on the list is Norway. तो देखिए, ये जो हैं ये सारी ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। फर्स्ट जो है वो नॉर्वे ही है और एनुअली रिलीज़ की जाती है। थर्ड इसकी जो रेटिंग है वो 0 to 1.0 तक है, और ये जो है ये पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है वो इंक्लूड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट वन, दैट इज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसके स्टेटमेंट्स हैं वो सारी ही करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, दैट इज़ इन 1987 द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर वाज पब्लिश्ड। इट वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ब्रुंडलैंड कमीशन। द रिपोर्ट सेट द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी जो है वो चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, देन ऑप्शन डी इज द राइट वन। सॉरी, चारों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो राइट हैं, ऑप्शन नहीं है, राइट स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट जॉइंट इनिशिएटिव दैट एम्स टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड्स। ऑल 12 स्नो लेपर्ड्स रेंज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ इट ऑफ दिस इनिशिएटिव। द इनिशिएटिव एम्स टू सिक्योर एटलीस्ट 20 स्नो लेपर्ड्स लैंडस्केप बाय 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134 is consider the following statements with respect to World Heritage Day 2020. इसके जो statements दी गई हैं, statement 1 is it is celebrated every year to preserve the human heritage, recognize the efforts of the organizations working for it. Next is the theme of the World Heritage Day is decided by the UNESCO every year. Next is 3, shared cultures, shared heritage, shared responsibility is the theme of World Heritage Day 2020. Which of the above are correct? तो इसका जो है option D is the right one, that is all statements are correct. जो सारी ही statements हैं वो correct हैं, then option D is the right one. Next question is 135. E-2020 initiative launched by the World Health Organization WHO is regarding. तो इसका जो correct answer है, antibiotic resistance, B, malaria elimination, C, tackling health issues arising from e-waste, D is disbursement of electronics aids to the differentially abled in developing countries. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ मलेरिया एलिमिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136. आई कमिट इनिशिएटिव विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड रिसाइलेंट एनर्जी सिस्टम इन द फ्यूचर. भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाना, ये जो है ये इनिशिएट किया गया था बाय आर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड प्राइज 2020. जो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फर्स्ट इज इट एम्स टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट एंड अदर्स हु हैव इम्प्रूव्ड द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स. तो ये भी करेक्ट वन है. नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन अवार्डेड एनुअली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है. थर्ड पॉइंट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ दिस अवार्ड इन 1987. तो ये भी करेक्ट है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज 1, 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138. इन कॉन्टेक्स्ट विद द रिलीज ऑफ द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बैंड द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2021. ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो है ये रिपीटेड है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज़ जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140. अम्ब्रेला मूवमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो जो अम्ब्रेला मूवमेंट था वो किस कंट्री से बिलोंग था. तो ऑप्शन बी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन इज 141 क्वेश्चन इज यहाँ पे मैच करना था कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट वन है. तो देखिए इज नॉट करेक्ट. तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 142. ये जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इनर हिमालयस लिखा गया है, ये आउटर हिमालयस की रेंज में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 142 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143. मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे जो है ये मैच करना था और करेक्ट आंसर बताना था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज फर्स्ट इज मैच्ड इन डी बारालाचा पास, ये पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट. आप जो है वो इसको मैच करके देख लीजिएगा. अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट. इसमें आपको बताना था कि कौन सा कम्बिनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे था रेणुका लेक, जमदागिनी ये करेक्ट वन है, निर्मंड, परशुराम ये भी करेक्ट है, मणिकर्ण, ऋषि वशिष्ठ ये भी करेक्ट है. ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज मंडी, ऋषि व्यास. ये जो है ये जो है इसमें जो है ये ऑप्शन करेक्ट होनी थी. मंडी का रिलेशन जो है वो ऋषि व्यास से नहीं है. ऋषि व्यास का जो रिलेशन है वो बिलासपुर से है, तभी तो बिलासपुर का पहला नाम पुराना नाम बियासपुर भी था. तो ये इससे रिलेशन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146. 146 इज बिलासपुर में प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया था जो बाद में गोविंद सागर में डूब गया. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज राजा विजय चंद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147. मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. यहाँ पे जो है वो लिस्ट वन में भी कुछ नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू के साथ जो थे वो मैच करने थे. तो फर्स्ट वन था मास्टर मित्रसेन, नेक्स्ट इज तो जो है वो ए होगा. आप जो है वो इसको राइट करके देख सकते हैं. अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149. टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अ स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ HP. नेम ऑफ द स्कीम इज. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक योजना शुरू की गई है, योजना का नाम बताएं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान. नेक्स्ट क्वेश्चन 150. विच ऑफ द न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP विद अ व्यू टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन वेयर चेक डैम्स एंड पॉन्ड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट वन, जल से कृषि को बल योजना. तो फ्रेंड्स ये जो थे, ये जो मॉर्निंग सेशन में आज 11 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्व्ड पेपर था. फ्रेंड्स ये कुछ एक क्वेश्चन थे 121 से लेकर 150 तक के. आई होप सो कि ये वीडियो जो है खुल रही होगी. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. हम जल्दी ही इस एग्ज़ाम का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, वो भी अपलोड करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.